कटर विधानसभा से रोशन लाल वर्मा ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उन्हीं का आवास है जहाँ पर बीजेपी का झंडा उनके आवास से यहाँ से उतारा जा रहा है। और अब ये कयास यही लगाया जा रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी से ही रोशन लाल वर्मा को टिकट मिलेगा, अब वो यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ समर्थक उनके मौजूद है, आइए उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मायने निकाले जाए। भाजपा का दामन छोड़ा है, समाजवादी पार्टी का दामन थमा है, क्या माने कितनी बड़ी जीत होगी? अरे बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। क्या इनका फैसला ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके जो समर्थक है उनका साफ तौर पर कहना है कि रोशन लाल वर्मा का ये बिल्कुल ही सही तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है, जो भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हम इस वक्त उनके आवास पर ही मौजूद है और यहाँ पर जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दामन जो रोशन लाल वर्मा ने थामा है तो उनके समर्थकों में भी काफ़ी खुशी की लहर है। और कुल मिलाकर ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से ही विधायक रोशन लाल वर्मा को टिकट मिलेगा। शाहजहांपुर से अमित सक्सेना, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।